कुल्लू जिला के मनाली उपमंडल के तहत पतली कुहल पुलिस चौकी के अंतर्गत लिंगचा के पास पुलिस ने एक व्यक्ति से गश्त के दौरान 8 किलो चरस बरामद की। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मनाली उपमंडल के तहत पतली कुहल पुलिस चौकी प्रभारी दयाराम के नेतृत्व में पुलिस फोजल सड़क पर गश्त कर रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति पैदल चलकर आ रहा था, जिसके बैग में तलाशी के दौरान 8 किलो चरस बरामद की गई। आरोपी की पहचान गोपाल कुमार के रूप में हुई है, जो फोजल के गुआड़ गांव का रहने वाला है। एसपी कुल्लू राजकुमार चंदेल ने कहा कि पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और पिछले एक माह के भीतर दर्जनों मामले दर्ज कर लिए हैं। पिछले काफी दिनों से चरस तस्करों के विरुद्ध काफ़ी तीव्र अभियान चलाया हुआ है, जिसमें काफ़ी केसेस रजिस्टर किए हुए। चरस के साथ एक तस्कर एसआई दयाराम आईसीपीपी पतलीकुल के नेतृत्व में पकड़ा गया है। इसमें एक गोपाल जो फोजल लोकल ही निवासी है, उसके पास ये 8 किलो चरस जो है बरामद की गई है। अब इस नेटवर्क के बारे में आगे छानबीन की जा रही है और जो भी इस उसमें धंधे में संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसको शीघ्र ही जो कोर्ट में पेश करके इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा और गहनता से इसके बारे में छानबीन की जाएगी। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।